सिंगरौली जिले में संचालित एनसीएल की कोयला खदानों में स्थानीय नेताओं और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कंपनी पर दबाव बनाने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हैं। ऐसा ही मामला सामने आया रविवार की देर रात, जहां कंपनी और स्थानीय नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई और इस झगड़े में कुल 4 लोग घायल भी हुए हैं। सिंगरौली जिले में संचालित कोयला खदान में आउटसोर्सिंग का काम करने वाली कंपनी पीसी पटेल के कर्मचारियों के साथ बीच सड़क पर गाली गलौज और मारपीट की। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता आउटसोर्सिंग कंपनी पर अपने आदमियों को काम पर लगाने को लेकर विवाद कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप बीती रात नवानगर में कंपनी के कर्मचारियों की गाड़ी रोककर आधा दर्जन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में कंपनी के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। इस बीच करणी सेना भी इस वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हो गई। उन्होंने खुलकर आउटसोर्सिंग कंपनी को सुरक्षा देने के बड़े बोल बोल डाले। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला कायम कर लिया है और जांच कर रही है। क्योंकि जब तक ठाकुर भाई उसका साथ कैसे देंगे? एक बाहरी आदमी यहाँ पे आकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे भाई भाई का काम, एक एक लोगों को तोड़ने का काम आज पीसी पटेल के बाद नहीं चल रही है ना। प्रकरण ये है, दिनांक 6/5 को अंजनी जायसवाल कुछ काम मांगने के सिलसिले में उनके कैंप में गया हुआ था। उस बात पे किसी बात को लेकर इनका झगड़ा वो विवाद हुआ था। आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। आज दिनांक को करीब 6:30 बजे अंजनी जायसवाल आके यह बताया कि वह जा रहा था अपने मामा के यहाँ कोई गमी के सिलसिले में। वहाँ अमलोरी पुल के ऊपर ये लोग मिले और इन लोगों ने उसी झगड़ा को लेकर रोका और मारपीट किया। दोनों तरफ से झगड़ा होने की पुष्टि हुई, जिस पर दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। दोनों पक्षों को प्रतिबंधित किया है कि किसी प्रकार का भविष्य में झगड़ा ना करें और विधिवत विधि सम्मत कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट पर अंजनी जायसवाल, उसके भाई सुजीत जायसवाल एवं दो अन्य के विरुद्ध 341, 294, 323, 526, 534 कायम किया गया है और अंजनी की रिपोर्ट पर विश्वजीत सिंह, गब्बू सिंह और अन्य दो के खिलाफ 341, 294, 323, 526। गोली चलाने की भी बात आ रही सामने। फायर अब इसकी जांच की जाएगी जो वो बता रहे हैं उस संबंध में। हमारा विवाद किसी से था नहीं। हम यहाँ पीसी पटेल, हम कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और हमारा काम चल रहा है निगाही में, ओबी का कार्य कर रहे हैं हम। ये लोग 4-5 गाड़ी से 3 दिन पहले भी गए थे हमारे कंपनी में और वहाँ पे गाली गलौज किए। एक लड़का था उसको मारे पीटे और वहाँ से जो सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क था उसको उठा ले गए। एक तो मोबाइल भी छोड़ के ले गए हैं, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है पहले भी। और आज तीसरा दिन हुआ कि हम वहाँ से अपने माइंड से निकल करके अपने रूम पर जा रहे थे, तब तक ये लोग हमारा पीछा करके 3-4 गाड़ी से नवानगर से आगे अमलोरी मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज पर रोक करके हमको हमारे साथ मारपीट किया है। ये सब आते हैं बस पैसा मांगने का, इन लोगों का चक्कर है, भाजपा के लोग हैं और आदमी अपना रखवाने का, आदमी रखवाने का ये सब का दबाव बना रहे हैं लोग। और इनका नाम है एक अंजनी जायसवाल करके है, सुजीत जायसवाल जिनको मैं जानता हूँ, और संजय पांडे और एक संजय सिंह है और प्रवीण तिवारी इनके मुखिया है और एक संदीप शुक्ला। लोग यही चाह रहे हैं, ये लोग दबाव बना रहे हैं कि अब हमारे आदमियों को रखो और तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं ये लोग। वसूली है, कंपनी आई है तो लोग वसूली के चक्कर में आकर के दबाव बना रहे हैं और आदमी रखने के लिए लोग दबाव बनाते हैं। लोग पैसा ले लेते हैं आदमियों से, इसलिए कंपनी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम अभी पैसा नहीं दिए इसीलिए तो ये घटना हुई, पैसा देते तो कहीं के लिए घटना होती। एसपी साहब से बात हुआ है हमारा, अगर यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम भोपाल आईजी, भोपाल डीजीपी सब जगह जाएंगे, सीएम के यहाँ भी शिकायत करेंगे। मंजनी कुमार जायसवाल है, हम जैन से अपना साइड देख के अमलोरी जा रहे थे मामा जी के घर पर। उसके बाद जैसे नवानगर पुलिया हम चढ़ाई चढ़े हैं तो मतलब चढ़ के उतर रहे थे, इतने उधर से स्कॉर्पियो से विश्वजीत सिंह चला रहे थे पीसी पटेल वाले, उदय नारायण सिंह, गुड्डू सिंह धरना वाले बैठे थे बगल में, उसके पीछे वाले सीट उनके भाई बैठे थे।
हम लोग जा रहे थे तो हमारे सामने आके स्कॉर्पियो लगा दिए उतरे उतरने के बाद फिर तुरंत बात होने लगी, मतलब गाली गलौज करने लगी। तो क्या बात है, बोले तुम बहुत ज़्यादा होशियार बनते हो इस टाइप के। कहाँ उतर के उसके पीछे वाला जो भीखे उसका भाई है ब्रिजेश, वो मारने लगा, मार दिया गुड्डू सिंह। तो तुम्हारा तीन मतलब 3 साल से तुम्हारा हम देख रहे हैं भाव इधर उधर। हम बोले क्या होगा बताइए। बोले तुम बहुत बड़े चढ़ बढ़ गए हो। तो हमने क्या बात बताएंगे। इतने में उसका भाई पीछे से आया, मारने लगा। जब मारने लगा तो इतने में हम हमारे साथ में भाई भी था तो वो उतरा। उतरने के बाद वो लगे मारने तो हम इतना समझ नहीं पाए। इसके बाद फिर वो लोग अपना गाड़ी स्टार्ट किया, वो मतलब मारा, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया, वो चल गया। इसके बाद हम फ़ोन किए अपने दो चार लोगों को, भाई भैया ऐसा ऐसा बात हो गया। तो वो लोग पहुँचे तो आगे बीच बचाव किए। फिर उन्होंने कुछ राहगीर भी वहाँ पर बीच बचाव किए। विवाद हमारा तो उनसे कुछ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो इसके इनके मतलब हम अपने इनके यहाँ एक दो बार काम मांगने के लिए वहाँ पर गए, बातचीत हुआ था, लेकिन कहे ऐसा बात नहीं हुआ था। हमारा उदय नारायण सिंह से गुड्डू सिंह से कोई बात विवाद नहीं है। अच्छा, कोई मतलब ही नहीं है उनसे मेरा। अपना काम है भैया, हम अपना ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, एक ही इंटरप्राइज मेरा ट्रांसपोर्ट का नाम है। कौन काम मांगने नहीं गए तो बातचीत चल रहा था हमारा, ये पी सी पटेल जो आया है। हाँ। उसमें बातचीत चल रहा था कि काम धाम को लेकर। अच्छा। हाँ, अपना हम अपना काम भी करते हैं वहाँ पर डील का। हाँ। बातचीत चल रही थी। आप गुड्डू सिंह का, उदय नारायण सिंह का भाई भीके, वो डंडा था और उसका भाई एक रड लिया हुआ था। अभी सुजीत सिंह हाथ में बंदूक लिया हुआ था जो कि वहाँ फायर भी किया। पी सी पटेल का वो लाइजनिंग ऑफिसर है, वो फायर किया था। अच्छा हुआ कि बच फायरिंग भी किया। अच्छा। उनका बंदूक को जब्त करके उनका कार्रवाई किया जाए। बंदूक लाइसेंस मिला तो गोली चलाने के लिए थोड़ी मिला, उसे जान से मारने के लिए उसमें कार्रवाई करे। देखिए, मारपीट तो जिनसे हुई है अभी निगाही ओबी कंपनी का, इस कंपनी ने काम पाया है पीसी पटेल, और इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं विश्वजीत भैया जो हैं, ये उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं। और भाजपा के कुछ तथाकथित नेता जिनको भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और ऊपर से दबाव है कंपनियों से वसूली करो, लड़कों को रखवाओ, दलाली खाओ, ये सारे मुद्दे को लेके ये आए दिन उस कंपनी पर दबाव बना रहे थे, प्रोजेक्ट मैनेजर पर दबाव बना रहे थे। अब स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई इस तरह पैसे बांटने के लिए नहीं आया है, काम करने आया है। जब कंपनी के लोगों ने पैसे देने से मना किया तो सत्ता के नशे में चूर ये सफेद कुर्ता पजामा पहन के गंदे विचारों के लोग आज इस तरह गुंडई पर उतारू हो गए हैं कि विश्वजीत सिंह की गाड़ी को बीच चौराहे पर नवानगर में रोक के उनके ऊपर हमला किया गया, पीछे गाड़ी खड़ी है, पूरी गाड़ी को तोड़ा गया। इस तरह के रंगदारी पर ये उतारू हो चुके हैं भाजपा के चंद तथा कथित नेता जिनको बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हम बड़े नेताओं के आदमी हैं। सेना हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज विश्वजीत सिंह के खिलाफ अन्याय हुआ है तो उनका साथ देने के लिए करणी सेना खड़ी है, आगे भी करणी सेना खड़ी रहेगी। और जिस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ ये अंजनी जायसवाल और उसके साथ घूमने वाले जो ये उसके किराए के टट्टू हैं, ये रेकी कर रहे थे विश्वजीत सिंह की। उसके बाद विश्वजीत सिंह ने प्रशासन को भी सूचना दी है, रिकॉर्ड है मोबाइल में वो, कि हमारी रेकी साहब की जा रही है। प्रशासन असफल रहा, उस घटना को नहीं रोक पाया। उसके बाद विश्वजीत सिंह पर अटैक हो गया, उसके बाद उन्होंने हमारे संगठन को जानकारी दी, हमारे संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनको जानकारी दी, तब हम लोग यहां पर आए और सारे घटनाक्रम को हमने समझा और देखा कि विश्वजीत सिंह का तथ्य सही है और इन भाजपा नेताओं के तथ्यों में कोई दम दिलासा नहीं है। इनकी दुकान ही वसूली, गुंडागर्दी, नेतागिरी इनकी चलती है, तो इसी तरह की वसूली में इस तरह की ये रंगदारी पर उतारू हो गया है। क्योंकि हमने तो प्रशासन से मदद मांगी, विश्वजीत सिंह ने प्रशासन से मदद मांगी कि साहब ये रेकी हो रही है हमारी, हमारा पीछा ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन अगर सुरक्षा देने में असफल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, करणी सेना विश्वजीत सिंह को अब पूरा प्रोटेक्शन देगी। अब जिस माँ ने अपने अपने लाल को दूध पिला के पैदा किया हो, जो अपने को बड़ा मर्द और तानाशाह गद्दार इस तरह के लोग अपने को रंगदार समझते हो, अब आए और करणी सेना उनको प्रोटेक्शन दे रही है। जितने भी सफेद पोश के नेता हैं।